राज्य के कई जिलों में पेयजल की समस्या से लोग परेशान हैं। रोहतास में पेयजल की समस्या से जूझ रहे लोगों ने नगर निगम कार्यालय में विरोध प्रदर्शन कर शहर में विरोध मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि पेयजल के लिए कई बार कार्यालय में गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक समाधान नहीं निकला। रोहतास नगर आयुक्त यतेंद्र कुमार पाल ने बताया कि लोगों की समस्याओं का समाधान शीघ्र किया जा रहा है। जहाँ पर भी इस तरह की समस्या है कि प्रेशर ना होने की वजह से पानी नहीं पहुँच पाता है, उसमें टैंकर के माध्यम से सप्लाई की जा रही है। हमारे जितने भी टैंकर हैं, हम उसका प्रत्येक दिन उपयोग करते हैं और ऐसे स्थानों पर भेजते हैं। इसके अतिरिक्त यदि और टैंकर्स की आवश्यकता पड़ती है तो PHED के से समन्वय बनाते हुए उनसे अतिरिक्त टैंकर प्राप्त करके वो भी सप्लाई किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त गर्मी के स्टार्ट होने से पूर्व दो जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पर नया एक बोरिंग करते हुए पानी की सप्लाई वहाँ पर दी गई है। दरअसल शहर में पानी के लिए हाहाकार मचा है, लेकिन ये अपने 5-स्टार ऑफिस और 5-स्टार गाड़ी से इनको फुर्सत नहीं मिल रही है कि शहरवासियों की सुने। शहरवासियों की सुनते तो ये स्थिति ना होती। लगभग 16 माह पहले वाटर बेड के लिए निर्णय लिया जा चुका है, लेकिन इनके द्वारा शहर को कैसे परेशान किया जाए, वार्ड पार्षद को कैसे परेशान